देखिए फ्रेंड्स, हम कुकर में आलू उबाल लिए हैं। आधा केजी मेरा आलू है, तो हम 2 सीटी में हम गैस को बंद कर दिए थे। अब ये कुकर की सीटी निकल गई है, तब इसको हम खोल रहे हैं कुकर को। तो देखिए, ये एक प्लेट में हम सारे आलुओं को निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसको जो है छीलेंगे। तो देखिए, निकाल लिए, अब हम इसको छीलेंगे। तो दोस्तों, जब तक हम छील रहे हैं, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। तो देखिए, इसको छीलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फोड़ेंगे। तो मट्ठा से हम बनाएंगे। मट्ठा आलू है, तो हमारा जो है मट्ठा, जो घी बनाए थे उसका मट्ठा था, गाय का घी, तो उसी मट्ठे से हम चल रहे हैं बनाने इसको। तो देखिए, मेरा आलू करीब करीब छिल गया है। अब इसको हम फोड़ लेंगे, टुकड़ों में कर लेंगे, लेकिन ये टुकड़े बड़े बड़े होंगे, क्योंकि जो है जब हम कढ़ाई में डाल के चलाएंगे तो अपने आप थोड़ा और बारीक होगा, इसलिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों, बड़े बड़े टुकड़ों में ही तोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है। अब इसको हम एक किनारे कर देंगे और एक डोंगा लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे चने का। तो दोस्तों, ये चने का बेसन डालना है, और हम आलू मट्ठा जब बना रहे हैं तो मट्ठे से ही इसको घोलेंगे छाज से। तो दोस्तों देखिए, ये है, इसमें हम मट्ठा डाल रहे हैं। ये मट्ठा हमारा, जो मैं घी बनाई थी गाय का, वही मट्ठा ये बचा हुआ है, तो उसी से मैं चल रही हूँ आलू मट्ठा बनाने। क्योंकि आप जब बच गया तो उससे कुछ भी बना सकते हैं, कढ़ी भी बना सकते हैं, आलू मट्ठा भी बना सकते हैं, जीरा नमक डाल के इसको पी भी सकते हैं। तो देखिए, ये मैं पूरा इसी से बना रही हूँ। इसको मथ लूँगी अच्छे से बेसन को, कि एक भी गुटका इसमें ना रह जाए। देखिए, ये मेरा हो गया, इसको किनारे कर दिए। अब मैं ले रही हूँ कटोरी, इसमें हल्दी डालूँगी और लाल पीसी मिर्च है और धनिया है, लहसुन है, इसको मैं पीसूँगी। और देखिए, प्याज है, कुछ प्याज को मैं बारीक काट लूँगी। अब इसको भिगो दे रही हूँ मसाले को। देखिए, ये मसाले को मैं भिगो दी। अब चलूँगी गैस पे, हम कढ़ाई रखेंगे तो गैस जला के हम गैस पे कढ़ाई रखें। मेरा तेल जो है गर्म हो गया है। इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा चटक गया, ये छोटी छोटी कटी हुई हरी मिर्च है उसे डाल देंगे, और हींग डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसे डाल देंगे। अब देखिए, ये हो गया। इसमें मैं प्याज डाल लूँगी, जो काटी हुई हूँ, इसे डाल दूँगी। तो इसको खूब भूनूँगी देर तक, पारदर्शी करूँगी, मतलब ये ब्राउन कलर होने ना पाए, ब्राउन कलर तक ही जाएगा ये भून के। तो ब्राउन कलर जब होने वाला होगा तभी इसमें हम मसाले डाल देंगे। तो दोस्तों देखिए, प्याज को भून रहे हैं, देखिए इस कलर में आ गया है, ब्राउन कलर देखिए पकड़ लिया है। और लहसुन डाल दूँगी, लहसुन भी भूनूँगी। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। तो इसको भून रही हूँ दोस्तों, इसको भूनने में टाइम लगता है, तो पूरी वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भून लीजिएगा इसे, और इस कलर तक आने दीजिएगा। ये देखिए, इसमें मैं मसाला डाल दी जो मिलाई थी कटोरी में। अब इसके बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी, तो मसाले को थोड़ा चला लूँगी, इसके बाद आलू डालूँगी। आलू भी एक आध बार ढक के भून लूँगी। अब इसमें आवश्यकता अनुसार नमक डालूँगी फ्रेंड्स, नमक उतना ही डालूँगी जितना हमें ज़रूरत है, और ज़्यादा ढेर, मतलब पानी पानी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा होना चाहिए दाल जैसा। और आप अपनी आवश्यकता अनुसार पानी भी डाल सकते हैं, या दाल से भी सूखा बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो देखिए, ये मेरा ये हो गया है आलू भी। अब इसमें चलूँगी मट्ठा डालने। देखिए, ये दोबारा ढक के मैंने पकाया, अब मट्ठा डाल रही हूँ। तो मट्ठा डालूँगी, तो ये चलाते हुए मैं मट्ठा डालूँगी, और इसको जब तक ये खोलने नहीं लगेगा तब तक मैं चलाऊँगी। अब इसको बर्तन को धुल के डाल ले रही हूँ, और अभी आवश्यकता पड़ेगी तो थोड़ा और डालूँगी। तो देखिए, इसको हम बराबर चलाते रहेंगे।
और ये जब तक खोलने ना लगे तब तक हम चलाएंगे, क्योंकि कारण है इसका फ्रेंड्स कि ये एक तो मट्ठा फटने का डर रहता है, ऊपर से जो है नीचे पकड़ लेगी तली में, और दूसरी चीज़ इसमें जो है गुटका आने का डर रहता है, गुटली गुटली, तो ये सब फूटेगा नहीं, इसलिए सबसे बराबर चलाते रहिए, सावधानी बरतते रहिए, तो ये अच्छा बनेगा। देखिए हमारा खोलने लगा है, अब इसमें मैं इस स्टेज पे आने के बाद कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ, और देखिए अच्छे से इसको 10 मिनट 5 मिनट और पका लूँगी, क्योंकि ये है खोल गया तो समझिए पक गया, लेकिन थोड़ा सा और टेस्ट आने के लिए थोड़ा पकाना पड़ेगा, तो 5 मिनट 10 मिनट इसे और पका लूँगी। और इसको खोलने के बाद आप छोड़ दीजिए थोड़ा चला के, फिर चला लीजिए इस तरह करिए। और देखिए गैस बंद कर दी हूँ, इसके बाद मैंने धनिया गार्निश की है, और देखिए हमारा मट्ठा तैयार हो गया है, चावल भी मैंने बना लिया, अब रोटी बनाऊँगी, तो समझिए हमारा करीब करीब देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ। अब पलट दूँगी दूसरे चूल्हे पे, चलूँगी तवा रख के रोटी बनाऊँगी। और मेरा देखिए फ्रेंड्स हमारा ये मट्ठा आलू ये हमारा तैयार है, देखिए कलर कितना अच्छा आया इसका, देखिए अब इसको हम लोग खाएंगे, तो इसको हम चलने हैं सर्व करने निकालने, तो ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है, देखिए चावल इस पे लगाएंगे, और ये रोटी, तो देखिए दोस्तों ये हमारा मट्ठा आलू चावल रोटी तैयार है। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों, अगले रेसिपी में कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए दोस्तों इसको खाने का एंजॉय करिए, टाटा बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।